नाम विजेता आज ड्यूटी से आके औचक निरीक्षण किया आपके सेंटर का। खासकर के लड़कियां जो आज कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका निभानी सीख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर कहना यही चाहते हैं, पहले तो बहुत गांव-गांव से लड़की लोग आती है और यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे तो माउस भी चलाने नहीं आता है, लेकिन अब यहाँ पे आके वो लोग बहुत कुछ सीखे जाते हैं। सर भी बहुत सारी इंक्वायरी किए और सारा सब बोल के गए। क्या डीडीसी ने क्या आश्वासन दिया? युवा अधिकारी हैं वो और खास करके पब्लिक फ्रेंडली हैं, वो सबसे बड़ी बात है। क्या आश्वासन दिया, क्या सिखाया आपके बच्चों को? सर वो बताया कि क्लासरूम में जो हम उन लोग को बताया जाता है, मतलब जब वो लोग को मीटिंग होता है तो क्लिकर देते हैं, तो यहाँ पे भी बच्चे लोग से उस तरह से क्लिकर लिया जाता है और जवाब दिया जाता है। संतुष्ट हुए वो? वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हुए सर। क्या आपका नाम? मैं संजना कुमारी। क्या? संजना कुमारी। संजना क्या सीख रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता है और लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है और सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया जा रहा है, बिहेवियर और मैनर्स के बारे में। डीडीसी आए तो क्या सिखाया आप लोगों को, क्या बताया? डीडीसी सर से ने सिखाया कि हमें कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोलना चाहिए। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो उनके लिए अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग जो अभी अवेलेबल है उनका अच्छे से करना चाहिए, ना कि फालतू में टाइम वेस्ट करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, दिल लगा के सीखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा कुमारी है। यहाँ पे मतलब जो सर आए थे, मतलब बहुत खुशी हुए कि यहाँ पे हम लोग यहाँ कंप्यूटर सीखते हैं, यहाँ 3 महीने का कोर्सेस रहते हैं और सेशन 120 होते हैं यहाँ पे और 4 घंटा का कोर्सेस होता है, तो हम यहाँ अच्छा लग रहा है, आप लोग सीख रही हैं। ये सर हम लोग को बहुत मतलब खुशी हो रहा है कि यहाँ पे मेरे जाजा में कौशल युवा प्रोग्राम लड़की के लिए एवं मतलब बॉय के लिए है, तो बहुत मतलब खुशी हुई। तमाम वो बेटियां हैं जो आज यहाँ कंप्यूटर शिक्षा में आज ग्रहण कर रही हैं इस कौशल विकास केंद्र झाझा में। एक तरह से औचक निरीक्षण किया है डीडीसी ने आज इस बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के आज जो है तमाम लोग यहाँ, तमाम जो अभ्यर्थी, तमाम कैंडिडेट हैं, सारे लोग यहाँ सिस्टम पे बैठे हुए हैं। इस तरह से अधिकारी अचानक से आके लगे जांच करने, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और जो संचालक होते हैं उन पर भी थोड़ा सा। कैसा लगा सर यहाँ आके? सर कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे सब लोग, आप देख रहे होंगे कि लगभग फुल है कैपेसिटी और 6 बैचेज इनका चल रहा है सर। अभी 132 बैचेज हम लोगों के इनरोल है यहाँ पे। अच्छा जी, तो जैसा कि आप जानते हैं युवा कौशल केंद्र है यहाँ पे सर, क्योंकि हम लोगों के बच्चे जो है स्कूल में बेसिक एजुकेशन तो करते हैं, लेकिन जब उनको टेक्निकल एजुकेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो एक हैंडीकैप महसूस करते हैं। बिहार सरकार का जो एक वो है विज़न है कि उनको हम लोग कंप्यूटर साइंस से भी और अच्छा करेंगे डिजिटल नॉलेज में, उसी को देखते हुए युवा कौशल केंद्र हर जगह है। हमारे जिला में लगभग हर प्रखंड में एक एक है, जो कि अंचल कार्यालय प्रखंड कार्यालय के बगल में होता है। यहाँ पे 6 बैचेज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि और बच्चों को इनरोल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बैचेज में करेंगे।